students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class 9. Our subject is chemistry and we are studying unit number 2, structure of atom. Today our topic is isotopes. तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जो आइसोटॉप्स हैं वो क्या होते हैं. तो सबसे पहले आइसोटॉप्स की आप डेफिनेशन देखेंगे कि ये उनकी डेफिनेशन क्या है. एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर्स उनके डिफरेंट होते हैं. यानी कि किसी भी एक ही एलिमेंट के ये एटम हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है. डिफरेंस किस चीज़ में है? मास नंबर्स में. तो ये आपने फ़र्क याद रखना है कि उनके एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर्स डिफरेंट है. उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम है. हम प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं. तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है. तो वो डिफर किस चीज़ पर कर रहे हैं? न्यूट्रॉन्स की बेस में. डिफरेंस उनका किस चीज़ की बेस पे है? न्यूट्रॉन्स की बेस पे है. जो आइसोटॉप्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हैं क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम है. और जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती है. तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं. जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती हैं. तो इन जो आइसोटॉप्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मास नंबर पे डिपेंड करती हैं. तो मास नंबर चूँकि आइसोटॉप्स का डिफरेंट है तो इसलिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट है. जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटॉप्स होते हैं. तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम के आइसोटॉप्स. तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं. नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स जो हाइड्रोजन के हैं वो तीन हैं. हाइड्रोजन के टोटल कितने आइसोटॉप्स हैं नेचुरली अकरिंग? तीन हैं. तो ये इनके नेम्स हैं वो क्या क्या हैं, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं उनके नेम बताएं. उनके नेम हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम. तो ये आपने नेम इनके याद रखने हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम. इनमें से हर एक में एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. इन तीनों में जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही होता है लेकिन जो न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होते हैं. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम. अब प्रोटियम में आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक प्रोटॉन है और जो बाहर वाला शेल है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो हमेशा सेम होता है क्योंकि एटम्स ओवरऑल अगर न्यूट्रल होता है तो उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम होता है. तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं प्रोटियम में? ज़ीरो हैं. और वी राइट एज एच वन वन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी एक है बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो ज़ीरो है. अब अगर आप ड्यूटेरियम में देखें तो इसमें जो है वो प्रोटॉन भी एक है और न्यूट्रॉन भी एक है. तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो यहाँ पर भी सेम है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. और यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो भी वन ही है. इस तरह से अगर आप ट्राइटेरियम में देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो दो हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो वन है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी वन है. तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि इन तीनों आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है. इन तीनों आइसोटॉप्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम है. जो डिफरेंस किस चीज़ की बेसिस पे है? डिफरेंस जो है वो न्यूट्रॉन्स के बेसिस पे है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है. प्रोटियम हमारे पास ज़ीरो न्यूट्रॉन्स हैं, ड्यूटेरियम में हमारे पास वन न्यूट्रॉन है और ट्राइटेरियम में हमारे पास टू न्यूट्रॉन्स हैं. तो इसी तरह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सबकी सेम होंगी. केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसलिए सेम होंगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में वन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंस होगी? क्योंकि जो मास नंबर है वो
डिफरेंट होगा। मास नंबर जो है वो क्यों डिफरेंट है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है, तो मास नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगा। सो दिस वॉज अबाउट आइसोटोप्स। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ यू हैव स्टिल एनी कन्फ्यूजन यू कैन अगेन आस्क मी। थैंक्स एंड टेक केयर।